मुरादाबाद के थाना ठाकुरद्वारा क्षेत्र में आज सुबह बदमाशों से हुई मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने दो बदमाशों को मौके से गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गए, वहीं एक दरोगा भी घायल हुए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिछले दिनों ठाकुरद्वारा क्षेत्र में हुई लाखों रुपए की लूट के मामले में पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया हुआ था। इसी चेकिंग के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि सुरंग जड़ क्षेत्र में कुछ बदमाश छिपे हुए हैं। पुलिस ने मौके पर जाकर बदमाशों को ललकारा तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से काफी देर तक चली फायरिंग में दो बदमाशों को गोली लगी। इस मुठभेड़ में पुलिस टीम में शामिल एक दरोगा भी घायल हो गए। मुठभेड़ के दौरान पकड़े गए बदमाशों की पहचान सलीम और इमरान के रूप में हुई है। पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। इस मुठभेड़ पर जानकारी देते हुए SSP अमित पाठक ने बताया है कि एक लूट के मामले में चलाए गए अभियान के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हुई। इसमें कुछ दिन पहले डिलारी क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर एक व्यापारी से 4,80,000 रुपये लूटने की घटना हुई थी। जब ये घटना हुई तो हम इसकी जानकारी के लिए जब लगे तो हमको इसमें दो व्यक्तियों की संलिप्तता, CCTV फुटेज और भी कई ऐसे साक्ष्य मिले जिससे एक व्यक्ति जनपद बिजनौर और एक व्यक्ति थाना क्षेत्र छडलट मुरादाबाद का इस घटना में शामिल होना, हम लोग इनकी तलाशी कर ही रहे थे कि उस दौरान कल रात में इनको जब पकड़ने के लिए टीम ने घेराबंदी करी तो इन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग करी। हमारे सब इंस्पेक्टर मुकेश राजौरा की चोट आई और पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई में ये दोनों बदमाश घायल हुए। इन्होंने उस 4,80,000 वाली घटना को किया जाना कबूला, साथ ही साथ इनके पास से 2.5 लाख रुपये करीब बरामद भी हुए। और इस दौरान इन्होंने जब तक ये घटना हम लोग वर्कआउट कर रहे थे एक घटना और कर दी, बिजनौर में एक महिला की हत्या कर दी। इनसे जो पूछताछ अभी प्रारंभिक स्तर पर निकल के आई है, ये दोनों शातिर अपराधी हैं और भविष्य में 10-15 दिन के अंदर 3 बड़ी घटनाओं को अंजाम देने जा रहे थे, जिसमें एक हत्या की घटना और 2 लूट की घटनाएं थीं। और उन घटनाओं के विवरण हमको प्राप्त हो गए हैं, हम संबंधित थानों को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि उसका फर्दर वेरिफिकेशन कर लें। इस प्रकार 2 शातिर अभियुक्तों जिन पे 10-10,000 रुपये का इनाम था उनको गिरफ्तार करने में टीम ने सफलता प्राप्त करी है, साथ ही साथ 3 बड़ी घटनाओं को होने से रोका भी है।